हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम GE3 डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। GE3 में डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। यहाँ आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं और इनका ऑर्डर, टाइप्स, इन सभी के बारे में आज के इस हम वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं क्या। सो फर्स्ट वर्ड है पार्शियल। तो पार्शियल का मीनिंग क्या है? पार्शियल का मीनिंग समझने के लिए जरा हम यहाँ देखते हैं कि सपोज कोई एक स्टूडेंट है, उसकी जो स्टडी है उसके लिए फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि उसने कितना टाइम डिवोट किया अपनी स्टडी को लेके, उसकी स्टडी की कंटेंट्स क्या है, उसकी जो उसने कंटेंट्स के बाद उसने उसका स्टडी मटेरियल किस तरह से है, और जो वो पढ़ रहा है टीचर्स बेसिकली वो उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं इसकी स्टूडेंट की स्टडी को लेकर हैं। तो ये किस किस के ऊपर, टाइम के ऊपर, कंटेंट कैसा है, टीचर ने कैसा पढ़ाया, और भी उसके पास आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो इसी किसी भी एक उसकी स्टडी से रिलेटेड क्या है, ये सभी कुछ है, ये सारे इसकी उस पर स्टडी पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये सब क्या है, इसके पार्शियल फैक्टर्स हैं। मतलब ये पूरी इसकी कंप्लीट स्टडी इन सब के ऊपर डिपेंड करती है कि ये सब कैसा था, उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसका स्टडी कैसी रही फिर। तो यहां पर ये जो क्या है, ये हमने पूरी कंप्लीट चीज को उसको क्या है, पार्शियल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने का रीजन क्या था कि यहां पर चीजें एक से ज्यादा थी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहां पर क्या है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है। कौन से होंगे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अभी अगर मैंने एग्जाम्पल दिया तो वहां पर उसने कितना टाइम डिवोट किया, इंडिपेंडेंट है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उसका स्टडी का कंटेंट कैसा था उसके ऊपर, वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, कि वो बहुत अच्छा भी हो सकता था, बेकार भी हो सकता था, एवरेज भी हो सकता था। डिपेंडेंट वेरिएबल और द अननोन फंक्शन एंड वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास ये नहीं है कि स्टूडेंट की स्टडी किस तरह से निकल के आई है, वो आउटपुट अभी हमें नहीं पता। अगर हम उसकी परसेंटेज, अगर वो उसकी हायर रहती है तो भी उसमें उसका कितना इन्वॉल्वमेंट था, क्या इनकी यहाँ पर उसने जो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ने के लिए एटलीस्ट हमें क्या चाहिए, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, और साथ में उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या हो, पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑर्डर फाइंड आउट किया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव विच अपियर्स इन द इक्वेशन। जो भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो भी हाइएस्ट ऑर्डर होगा, हाइएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होगा इस इक्वेशन में, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। सपोज ये मेरे पास इक्वेशन है UTT दैट इज इक्वल टू C² UXX। यहां पर हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे, कहां पर, सफिक्स में टी, यानी कि इसका मीनिंग है डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर। C इज ए कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू C² डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यानी कि हमने यू फंक्शन को टू टाइम्स क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है। यहां पर हमने अगेन यू को क्या है, टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये टू टाइम्स का मीनिंग है, जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर है उतना ही क्या होगा, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर होगा। तो यहां पर टू इन्वॉल्व है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, यू टी टी प्लस
यू थ्री टाइम्स एक्स, यू टी यानी कि डेल यू ओवर डेल टी प्लस थ्री टाइम्स एक्स, सफिक्स भी थ्री टाइम्स एक्स का मीनिंग है कि डेल थ्री यू ओवर डेल एक्स क्यूब, यानी कि हमने यू फंक्शन को थ्री टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हाइएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहां पर, ये फंक्शन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल यू एक्स प्लस यू वाई, यहां मीनिंग है डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। सिंगल टाइम्स ही है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, वन होगा। यहां पर आप देख रहे हो u आपका क्या है, डिपेंडेंट है, x और y आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो मेरा u है दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें एक जनरल फॉर्म भी हमें क्या है डिराइव करनी पड़ेगी, जहां पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट फंक्शन होंगे x और y, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट दो तो होनी ही चाहिए, जो भी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बात की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें इस तरह के फंक्शन फॉर्म में जनरल फॉर्म ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी, बट अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात हो रही होगी तो उसमें हमारी जनरल फॉर्म कैसी होगी, एफ फंक्शन फॉर्म, एक्स और वाई मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये क्या है यू जो किसके मिलकर बना हुआ है, एक्स और वाई से, दिस फंक्शन यू भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ और भी उसने लिया हो फंक्शन उस फॉर्म में भी दिया हो सकता है, बट यहां मीनिंग ऑफ दिस यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यू अगर मेरा फंक्शन है एक्स वाई का है तो यहां पर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखूंगी दैट इज डेल यू ओवर डेल एक्स, बट जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम सफिक्स में लिख देते हैं, यू आई दैट इज डेल यू ओवर डेल वाई, अगेन वाई को मैंने क्या लिखा है, सफिक्स में लिखा है। तो द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सी एक्स कॉमा वाई कॉमा यू, इट मे बी जेड कॉमा यू एक्स, अगर जेड में है तो जेड एक्स होगा, कॉमा यू वाई अगर जेड में है फंक्शन तो जेड वाई होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां पर अननोन फंक्शन जो हमारा सोल्यूशन आएगा उसकी जनरल फॉर्म होगी यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई, क्योंकि मेरा जो यू फंक्शन है वो एक्स और वाई से इन्वॉल्व होकर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अननोन फंक्शन, वेयर द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विच लाइ इन द सम गिवन डोमेन, आपके लिए इसके क्या होगी, डोमेन गिवन होगी, जहां पर ये फंक्शन एक्स और वाई क्या है उसके अंदर लाई करते हैं। ये जनरल फॉर्म है हमारे पास, यहां पर यू एक्स को मैंने स्पेशली लिखा दैट इज डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई, बट अगर ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का है तो हम इसको बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो इसको हमने यू एक्स को नेम दे दिया पी, एंड ये जो यू वाई है इसको हमने ले दिया क्यू, यानी कि जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस में डेल यू ओवर डेल एक्स होगा तो वो आगे किसे डिनोट किया जाएगा, पी से, डेल यू ओवर डेल वाई है उसको हम डिनोट करेंगे क्यू से। तो हमारी इक्वेशन जो है इसकी जनरल फॉर्म कैसी हो जाएगी, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा यू पी कॉमा क्यू इक्वल टू जीरो। यहां आप देख रहे हो दोनों को कंपेयर कर सकते हो, यू एक्स जो है वो क्या है पी में कन्वर्ट हो गया है, जो ये जो यू वाई था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, क्यू में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारी हमें जो याद रखना है जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहां पर सिर्फ टू इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की बात हो रही है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट क्या बोला हमने डेफिनेशन में, एटलीस्ट टू तो होनी ही चाहिए, तो हमने यहां पर टू के लिए फ्रेम किया है, तो ये एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई, अब ये कन्वर्ट होके एक्स वाई यू पी कॉमा क्यू इक्वल टू जीरो हो गया। आगे अगर हम बात करें जब हमारे पास मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो हम उसको कैसे फ्रेम करेंगे, मोस्ट जनरल फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वहां मैंने सिंपली स्टार्ट किया टू से, जब हमारे पास मोर देन मतलब टू होंगे यानी कि थ्री होंगे, जब हम थ्री के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो आपके पास कैसा हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा यू, यू का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, यू का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड। क्यों, क्योंकि हमारे ये जो u फंक्शन है जो अननोन फंक्शन है वो किस किस से मिलकर बना है, x, y और z से, तो यहां पर हमारा अब ये इसकी क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म हो जाएगी, तो इसको हमने ये एक फ्रेम करके इस तरह से लिख दिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, x, यू एक्स वाई यू वाई यू जेड, जब हमारे पास थ्री क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और अगर हमें डिफाइन करना है तो ये वन मोर एग्जाम्पल, y माइनस जेड यू एक्स प्लस जेड माइनस एक्स यू वाई,
एक्स माइनस वाई यू जेड इक्वल टू जीरो. नाउ द जनरल सेकेंड ऑर्डर, ये हमने क्या किया, सब में आपने देखा यू डेल यू ओवर डेल एक्स है, डेल यू ओवर डेल वाई है, डेल यू ओवर डेल जेड है. ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था. सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स की बात करें, अभी हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एक्स होगा वाई होगा यू होगा, यू एक्स यू वाई. अब आप क्या कर रहे हो, टू टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो यू को, तो डेल यू ओवर डेल एक्स हो जाएगा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि यू एक्स एक्स लिखेंगे, यू वाई वाई लिखेंगे. अब एक्स को हम क्या कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या यू वाई एक्स. तो ये दोनों आप नोट करोगे, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं. तो हमारे पास क्या है, या तो हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अगर हमारे डेल यू ओवर डेल एक्स है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर डेल यू ओवर डेल वाई है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये क्या होंगे, इस तरह के डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे. यहां मैंने क्या है, थोड़ी एक्सपेंड फॉर्म लिख दी है, यू एक्स क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स, यू वाई क्या है, डेल यू ओवर डेल वाई, यू एक्स एक्स डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यू एक्स वाई द सेम थिंग, एंड यू वाई, ऑल दीज आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू. अब यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की जनरल फॉर्म ड्राइव करी. बात आती है लीनियर और इसकी स्पेशलिटी की, कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, अगर लीनियर है तो किस तरह की है. तो एक चीज, एक जनरल सी डेफिनेशन है लीनियर और नॉन लीनियर, इट डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेट टू बी लीनियर इफ इट इज इन द फर्स्ट डिग्री इन द अननोन फंक्शन यू एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर. यानी कि यहां पर किसकी बात हो रही है, फर्स्ट डिग्री की बात हो रही है. अभी हमने इस लेक्चर में कहीं डिग्री की बात नहीं की, डिग्री का मीनिंग है यहां पर जो आपका जो भी डेरिवेटिव इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है, ये एक एग्जांपल है. इसके अलावा आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर में इक्वेशंस की बात की, यहां पर हमारे क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर का आपका फंक्शन होना चाहिए और उसकी क्या है, डिग्री भी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए. सो यहां पर हम देखें कुछ एग्जांपल्स, देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के, एक्स यू एक्स वाई यू वाई दैट इज इक्वल टू एन यू, यू एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है, यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर है और इन दोनों की डिग्री भी क्या है, वन है. यू एक्स यू वाई ये ही हमारे पार्शियल डेरिवेटिव है, अगेन इन दोनों की डिग्री क्या है, वन है. यहां पर क्या है, यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर, यहां पर इन दोनों की डिग्री क्या हो गई है, यहां पर इन दोनों की डिग्री क्या हो गई, टू हो गई है. हमारे पास बाकी दोनों एग्जाम्पल्स में क्या थी, डिग्री वन थी. सिमिलरली वाई माइनस एक्स यू पी एक्स प्लस वाई यू क्यू, अब यहां पर इसने क्या दिया है, पी दे दिया, यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स है, यहां पर डेल यू ओवर डेल वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर. यहां पर हमें इतना इजी नहीं है जज करना कि ये लीनियर होगी या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी. इसके लिए हम इस पे इनकी कुछ इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कि इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लासिफिकेशन में हमारे पास फोर कैटेगरीज हैं किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फ्रेम करने के लिए. तो ये क्लासिफिकेशन क्या है, हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उनकी ये क्या कैटेगरीज हमें फ्रेम करती हैं. तो उसमें क्या आती है, फर्स्ट आती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकंड आती है सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, थर्ड आती है क्वेसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और लास्ट है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो यहां पर हम बात करेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, सेमी लीनियर क्या है, क्वेसी लीनियर क्या है और नॉन लीनियर. जहां ऊपर हमने क्या किया है, लीनियर और नॉन लीनियर की बात की है. यहां देखते हैं लीनियर के लिए कंडीशन देखते हैं. सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर. देर आर टू कंडीशन, इट इज अ लीनियर इन पी क्यू एंड यू. यू कैसा था, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई था. यहां लीनियर वर्ड का मीनिंग है, लीनियरिटी का मतलब है कि किसी की भी पावर वन होना. यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो ऑपरेटर्स हैं दैट इज पी एंड क्यू, पी का मीनिंग है डेल यू ओवर डेल एक्स और क्यू का हमारे पास मीनिंग है डेल यू ओवर डेल वाई. ये अगर इनके दोनों की पावर के साथ साथ डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई और ये जो यू है, इन तीनों की क्या है, डिग्री वन होनी चाहिए, यानी कि लीनियर होनी चाहिए, तभी ये हमारी क्या होगी,
लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इज फर्स्ट कंडीशन. सेकंड क्या है, कोफिशियंट ऑफ पी एंड क्यू आर इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. किसकी बात हो रही है, सिर्फ और एक्स और वाई की, यहां पर यू इन्वॉल्व नहीं हो रहे. तो हमें स्पेशली ध्यान रखना है जब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात हो तो फर्स्ट क्या है, हमें पी क्यू एंड यू की पावर देखनी है, वो वन हो. सेकेंड थिंग, जो पी और क्यू फंक्शन है वो किसका हो, एक्स और वाई का हो, इसके अलावा ना हो. इसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में लिख लिया, पी एक्स कॉमा वाई स्मॉल पी, क्यू एक्स कॉमा वाई स्मॉल क्यू, दैट इज इक्वल टू आर एक्स कॉमा वाई यू. यहां पर इन तीनों की ये जो डिग्री की बात हो रही है वो कैसी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए. बाकी रेस्ट हमें उसके बाद नोट ही नहीं करना है. यहां पर सेकेंड थिंग क्या है कि ये पी जो फंक्शन है वो एक्स वाई को होना चाहिए, यहां पर भी क्यू हमारा एक्स वाई का ही होना चाहिए. यहां पर हमने यू के साथ भी क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा हुआ है. यहां पर हमने यू की बात ही नहीं करी है, यहां पर किसकी बात करी है, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के. बाकी चीजें क्या है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अगर ये जेड की टर्म्स में दिया है तो यू कैसा हो जाएगा, जेड हो जाएगा. अगर मैंने यहां पर यू की टर्म्स में लिखा है तो यू इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई. क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं यू इज अवर अननोन फंक्शन, वेयर यू इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई, वेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. जो यू है वो फंक्शन एक्स और वाई से मिलकर बना हुआ है. पी एक्स कॉमा वाई, क्यू एक्स कॉमा वाई, आर एक्स कॉमा वाई एंड एक्स एस जो लास्ट टर्म है, एक्स कॉमा वाई आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड. यहां कहीं भी यू की बात या जेड की बात ही नहीं हुई है, सिर्फ ये कैसे फंक्शन है, एक्स और वाई के ही फंक्शन होने चाहिए. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दो कंडीशन वो ये है, पी को हमने लिखा है दैट इज यू एक्स एंड क्यू को हमने लिखा है यू वाई. एग्जाम्पल्स देखें, वाई पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स. यहां मैंने सबसे पहले जेड के टर्म्स में लिखा है. यहां आपने सबसे फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, पी की पावर वन है, क्यू की पावर वन है और जेड है उसकी पावर वन है. अगर ये यू में होता तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से होती, वाई पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई यू प्लस एक्स, यानी कि यू हमारा कैसा होता, सिंगल होता. तो यहां से हम इजीली देख सकते हैं कि क्या है, जो लीनियर है वो लीनियरिटी किस किस में है, पी में है, क्यू में है एंड जेड में है. लीनियरिटी चेक कर ली, पी और क्यू का फंक्शन कैसा होना चाहिए, एक्स और वाई का, वो हमने चेक किया. दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं, तो हम यहां बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. और एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज अब मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, एक्स पी प्लस वाई क्यू माइनस एक्स प्लस वाई यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर. यहां को मैं इस इक्वेशन को हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसके फॉर्म में लिख सकती हूँ. तो एक्स पी प्लस वाई क्यू दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको राइट हैंड साइड पर ले गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. पी फंक्शन सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, पी क्यू एंड यू की डिग्री क्या है, वन होनी चाहिए. लीनियरिटी की बात हो रही है, कोई पावर नहीं है, वन ही है. फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गई है. नाउ द सेकेंड कंडीशन, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू के साथ आपका वाई इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक्स और वाई की कंडीशंस थी वही हो रहा है. बाकी हमें कुछ नहीं चेक करना है, बाकी हमें कैसा भी फंक्शन हो, यानी कि लीनियरिटी की दोनों कंडीशंस इसमें वेरीफाइड हो रही है. सो दिस इज अवर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, पी प्लस एक्स प्लस वाई क्यू माइनस यू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ विद पावर एक्स. इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, पी प्लस एक्स प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू यू प्लस ई की पावर एक्स. पी के साथ कोई कांस्टेंट ही है, वन ही बांध के चलते हैं, एक्स नहीं है, कोई बात नहीं है, उसे हमें कुछ नहीं लेना. पी का हमारे क्या है, डिग्री वन है, क्यू की डिग्री वन है, यू की डिग्री वन है, हमारा काम हो गया, फर्स्ट कंडीशन खत्म हो गई. नाउ द सेकंड वन, पी के साथ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ वाई, दोनों में से कोई नहीं है, कॉन्स्टेंट है, एक्स प्लस वाई एक्स और वाई का ही है, ठीक है, एक्स और वाई की ही कंडीशन थी हमारे पास. यू के साथ भी हमारे पास कुछ नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. थर्ड एग्जाम्पल की, लास्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, यू एक्स यू वाई यू, तीनों की डिग्री क्या है हमारे पास, यहाँ पर तीनों है लीनियर फॉर्म में है, ठीक है. यहां पर यू एक्स के साथ एक्स स्क्वायर एक्स का ही फंक्शन है. यहां पर हमने इसकी डिग्री की बात नहीं की है, हमने कहा है कि यहां फंक्शन ऑफ एक्स और वाई हो सकता है, तो वो है एक्स स्क्वायर एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है, रेस्ट टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है.
हमारे जो लीनियरिटी की कंडीशन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वो सेटिस्फाई हुई है। फर्स्ट क्या थी, ये तीनों लीनियर है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वही है, तो ये दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट केस इसमें आता है सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, जहां हमारे पास लीनियरिटी की कंडीशंस थी उसमें कुछ और रिलैक्सेशन दे दें अगर हम, तो वो कैसी बन जाएंगी हमारी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेमी लीनियर में हमने क्या किया, लीनियरिटी की जो कंडीशंस थी उसमें थोड़ी सी और लिबर्टी दी है, तो वो क्या बनी है हमारी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेमी लीनियर में अगर हम कंडीशंस देखें, सेमी लीनियर में अगर हमारे पास कंडीशंस हैं कुछ इस तरह की, तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से बनेगी। कंडीशंस पढ़ते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू। कहा और लिबर्टी मिली है लीनियरिटी से, वहां पर हमारे पास क्या था P, Q एंड U, तो यहां पर U को रिलैक्सेशन मिल गया है, U में हमें चेक नहीं करना है, सिर्फ किस में लीनियर होनी चाहिए P एंड Q में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द कोफिशियंट ऑफ P एंड Q आर फंक्शन ऑफ X एंड Y ओनली, दैट इज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ Z। अगेन हमें वही चीज चेक करनी है, यहां पर हमें U के लिए चेक नहीं करना, सिर्फ P Q के लिए लीनियरिटी चेक करनी है। यहाँ पर P और Q आर द फंक्शन ऑफ X एंड Y होने चाहिए, सो P X कॉमा वाई कॉमा P प्लस Q X कॉमा वाई कॉमा Q इज इक्वल टू R X कॉमा वाई कॉमा Z। ये हमारी फॉर्म है, जहां पर P X Y एंड Q X Y आर द फंक्शन ऑफ X एंड Y ओनली, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ Z। ये हमने यहाँ पर क्या लिखा कि यहाँ पर ये फंक्शंस किसके नहीं होने चाहिए, जेड के नहीं होने चाहिए, बट जो आर है उसके साथ हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो गया, जेड भी हो गए हैं। तो एग्जांपल्स जरा अगर हम देखें कि एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं, फर्स्ट हमारा है ये इसकी जनरल फॉर्म मैथमेटिकली फॉर्म दी दे, दैट इज पी एक्स कॉमा वाई पी प्लस क्यू एक्स कॉमा वाई क्यू दैट इज इक्वल टू आर एक्स वाई एंड जेड। यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड भी हो सकता है। फर्स्ट में हमारे पास है वाई पी माइनस एक्स क्यू दैट इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स। फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है पी और क्यू में लीनियरिटी, यहां हमें चेक ही नहीं करना, तो पी और क्यू में क्या है, वन है, लीनियर है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई जेड, तीनों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अगेन ये क्या हो गई हमारी सेमी लीनियर हो गई। नेक्स्ट पर भी आप देखोगे P और Q दोनों की डिग्री वन है, आगे हमें जाना ही नहीं है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया है हमारी सेमी लीनियर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर Z का फंक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है। थर्ड हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल वाई यू एक्स प्लस एक्स यू वाई दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स वाई। अगर हम लीनियरिटी चेक कर रहे होते तो सिर्फ हमें यहाँ पर सेमी लीनियर के केस में क्या है, यू एक्स और यू वाई दोनों की डिग्री क्या है, वन है, यहाँ यू में नहीं जाना, यू में जाने के लिए हमें किसके लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में देखना था, बट यहाँ पर यू स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ हमें सेमी लीनियर के लिए यू एक्स और यू वाई, तो फर्स्ट हम देख रहे थे, तो देखो यू स्क्वायर यहाँ पर आ गया है, तो हमारी लीनियर वाली कंडीशन फेल हो गई है, तो ये लीनियर नहीं हुई, सेमी लीनियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डिग्री वन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड हो सकते हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो है ही। लास्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें एक्स स्क्वायर जेड एक्स एक्स वाई जेड वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड फोर प्लस एक्स क्यू वाई क्यू। यहां पर भी हमारे पास दोनों की डिग्री क्या है, वन है, यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यहां पर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ द थर्ड केस इज क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो हम पूरी थ्रू आउट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसी पर ही स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे हमने बोला कि फर्स्ट लीनियर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनकी कंडीशंस में जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें थोड़ी सी लिबर्टी मिली तो वो सेमी लीनियर हुई, और लिबर्टी मिलेगी तो वो ये क्या बनेगा, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डेफिनेशन जरा देखें या इसकी कंडीशंस देखें वो क्या होंगी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की,
कि अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज सेट टू बी क्वासी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू, दैट इज लीनियर इन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शन दैट इज इक्वल टू जेड एक्स वाई. सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है कि क्या हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी हो, पी क्यू में सिर्फ लीनियर हो, ना यू में चेक करना है या जेड में चेक करना है, ना ही हमें उसकी सेकंड कंडीशन क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए वो चेक करना है. तो यहां इसकी जरा मैथमेटिकल फॉर्म देखें, ये मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आपको याद है तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी लीनियर होंगी, सेमी लीनियर या क्वेसी लीनियर, एंड द लास्ट वन इज नॉन लीनियर. इजीली आप बता सकते हो कि आपकी इक्वेशन किस कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस है. तो यहां पार्शियल के लिए ये हमारा पी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, स्मॉल पी इज डेल यू ओवर डेल एक्स या डेल जेड ओवर डेल एक्स, जो भी उसने फंक्शन फ्रेम करके दिया है, प्लस क्यू एक्स वाई कॉमा जेड, मैं जेड लेके चल रही हूं, यानी कि यहां पर डेल जेड ओवर डेल एक्स या डेल जेड ओवर डेल वाई, और यहां पर आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि तीनों ही फंक्शंस हो सकते हैं. अगर आप यू की फॉर्म में देखना चाहते हो तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यू सॉरी पी कैपिटल पी एक्स कॉमा वाई कॉमा यू दैट इज यू एक्स, कैपिटल क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा यू यू वाई दैट इज इक्वल टू आर एक्स कॉमा वाई कॉमा यू. तो ये हमारी क्या है, क्वासी लीनियर की जनरल फॉर्म है. ये आपको हमेशा याद रखनी है जिससे कि आप इजीली जज कर पाए कि आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह की है. एग्जांपल जरा देखते हैं. एग्जांपल कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू जेड क्यूब एक्स प्लस वाई क्यूब. एक ही कंडीशन है हमारे पास, पी और क्यू कैसे होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए, बाकी हमें कोई चेक नहीं करना है कि वो किस तरह से है. यहां पर पी हमारा लीनियर फंक्शन है, क्यू भी हमारा लीनियर. लीनियरिटी अगेन रिपीट कर रही हूं, दैट इज द पावर ऑफ दिस पी इज वन, क्यू हैज ऑल्सो द पावर वन. पी की भी पावर वन है, क्यू की भी पावर वन है. एक ही कंडीशन हमें चेक करनी थी, वो हमने चेक कर ली. सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अवर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज टू वाई यू यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर यू वाई दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स वाई. अगेन चेक करें, यू एक्स की डिग्री वन है, यू वाई की डिग्री वन है, बाकी हमें कोई कंडीशन नहीं चेक करनी, हमारी एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. तो हमें क्या मिल गया, ये हमारी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आपके पास ओनली हार्डली फोर कंडीशन है जिससे कि आप क्या कर पाओ. हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो कंडीशन थी, सेमी लीनियर में हमारे पास उसमें और लिबर्टी मिली लीनियर कंडीशंस में, तो वो सेमी लीनियर हुई. और क्वासी लीनियर में तो सिर्फ आपके पास एक ही कंडीशन है, पी और क्यू की टर्म्स में, यानी कि पी की भी डिग्री वन, क्यू की भी डिग्री वन. आपने ये चेक किया तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये हमारे क्या है, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है. नॉन लीनियर यानी कि इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी, अगर कोई हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ना लीनियर है, ना सेमी लीनियर है, ना ही क्वेसी लीनियर है, तो रेस्ट क्या होंगी, हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी. बट अगर हमें इनको एक डेफिनेशन इसके लिए फ्रेम करनी होगी तो वो किस तरह से होगी, ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज सेट टू बी नॉन लीनियर इफ इट इज नॉट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. अभी हमने क्या किया, लीनियरिटी में क्या किया है, पी और क्यू जो भी हमने देखा या यू देख रहे थे, सबकी डिग्री क्या थी, वन. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर P, Q एंड U की डिग्री मोर देन वन हो तो उस केस में क्या हो जाएंगी, नॉन लीनियर हो जाएंगी. तो हमें क्या चेक करना है, देखो यहां पर P है, P द मीनिंग ऑफ दिस P इज डेल U ओवर डेल X, इसकी होल स्क्वायर, डेल U ओवर डेल Y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन. तो वन तो हुआ नहीं, इसकी पावर टू होने से इसकी डिग्री क्या हो गई, टू हो गई. सो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिस इज अवर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. पी क्यू इज इक्वल टू वन, कहीं भी हमने जो अभी तक सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी, वहां पर हमने कहीं भी प्रोडक्ट की बात नहीं कही थी. तो प्रोडक्ट अगर कहीं इन्वॉल्व हो रहा है पी और क्यू का, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये कैसी है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है. एक नोट है, हम इसके लिए नोट करके रखते हैं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती है, सेमी लीनियर. सेमी लीनियर कैसी होती है, क्वासी.
यानी कि जो लीनियर है वो सेमी लीनियर भी होगी और जो सेमी लीनियर है वो क्वेसी लीनियर भी होगी, बट द कन्वर्स डू नॉट होल्ड. कन्वर्स मीनिंग है अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरी क्या है, क्वेसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट डज नॉट इम्प्लाइज कि ये कैसी है, सेमी लीनियर है. अगर आपके पास सेमी लीनियर के एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो ये इम्प्लाई नहीं करता है कि ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. बट अगर लीनियर आपको गिवन है तो उसमें उस केस में हम कैसे कह सकते हैं कि लीनियर क्या इम्प्लाइज करती है, सेमी लीनियर. और सेमी लीनियर अगर है तो वो क्या इम्प्लाइज करती है, क्वेसी लीनियर. बट द कन्वर्स पार्ट डू नॉट होल्ड. आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप इजीली जज कर पाएंगे कि आपकी डिफरेंशियल पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो लीनियर है, सेमी लीनियर है या क्वेसी लीनियर है, और द लास्ट वन इज नॉन लीनियर है. आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे फ्रेम करते हैं.